हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जैसे कि आपको पता ही, आरबीआई ग्रेड बी की क्लासेस चल रही है। देखो, आज की जो हमारी क्लास नंबर है 11 है, यानी कि इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अटेंड नहीं करी है तो देख लेना, काफी वेरिएशन है। देखो, आज का जो टॉपिक है क्या लिखा है, फ्लोर पजल। देखो, एक फ्लोर पजल में पहले भी करवा चुका हूँ, वो काफी हाई लेवल की थी, क्लास नंबर शायद 1 में करवाई थी। आज हो रहा है, ये ट्रिकी पजल है, ठीक है, ज्यादा हाई लेवल की नहीं है मगर ठीक है। और इसमें देखो वेरिएबल है, क्वेश्चन को रीड करेंगे, देखेंगे किस तरीके की पजल है। देखो, ये एक सीरीज चल रही है 100+ पजल की, इसमें मैं 100 से ज्यादा पजल करवाऊंगा बैंक, पीओ और क्लर्क के लिए। ये जो क्लासेस है ना, ये प्री ओरिएंटेड क्लासेस है, मतलब जितने भी प्री एग्जाम में आपके बन सकते हैं पजल, मतलब सेम तो नहीं बनेगी बट जो भी पैटर्न बनेगा वो यहीं से बनेगा, क्योंकि तो मैंने सारा इसमें इस तरीके से सेशन डिजाइन करा है। आपको क्या करना है, अगर ये क्लासेस अटेंड करना चाहो, इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से करते हैं तो, और सीखते हैं किस तरीके से पजल को सॉल्व करना है। तो उसमें क्या करना है, यूट्यूब चैनल में जाना, प्लेलिस्ट बनी होगी पजल के नाम से, वहां पर जाओगे तो 60+ से ज्यादा क्लासेस होंगी, 60-70 से ज्यादा, वहां देख लेना। देखो, ये पजल है, तो देखो पजल कभी भी आती है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसे रीड करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है कि क्या बोलना चाहता है। देखो, यहाँ से हमारी पजल स्टार्ट है, ये देखो कुछ नाम है, ठीक है, इनको स्किप कर दो। लीव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर इन अ सेम बिल्डिंग, डिफरेंट फ्लोर में रहते हैं सेम बिल्डिंग में, हैविंग 9 फ्लोर, 1 to 9। और देखो ब्रैकेट में इसने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रखा है, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड अबो इट एंड द अबो फ्लोर इट नंबर 2 एंड सो ऑन एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 9। देखो क्या कहना चाहता है, अभी इतना ही रीड करते हैं कि देखो हमारे पास ना क्या एक 9 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब 9 फ्लोर वाली है, जो सबसे क्या कहते हैं नीचे वाला फ्लोर है जिसको ग्राउंड फ्लोर करेंगे वो नंबर 1 है, और उसके ऊपर चाहे वो 2 है, इसी तरीके से चलते जाओ, ठीक है ना, सो इस तरीके, 3 के ऊपर 4 5, इस तरीके से चलते जाओगे, और जो लास्ट स्टेप मतलब आपका फ्लोर आएगा वो 9th वाला फ्लोर है, ठीक है। और देखो कुछ यहाँ पर और दे रखा है, 4 of them लाइक डिफरेंट कलर, रेड ग्रीन पिंक येलो। देखो क्या कहना चाहता है, ये 9 मेंबर है ना, 9, 9 में से 4 मेंबर कलर पसंद करते हैं बस, यानी कि 5 लोग नहीं करेंगे कलर पसंद, ठीक है। और देखो लास्ट लाइन है, ये द पर्सन हु लाइक कलर्स, जो पर्सन क्या कहते हैं कलर लाइक्स करते हैं, डू नॉट सिट टू गैदर इन क्लोज। देखो ये ही है सबसे मेन लाइन, अगर ये समझ लिया ना तो फिर पजल सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो अगर कोई इसको नहीं समझ पाएगा तो लास्ट में जाके पजल फंस जाएगी। देखो क्या कहना चाहता है, टू टू जो मतलब कि कलर वाले हैं ना, सिर्फ टूगेदर नहीं बैठे, देखो फ्लोर होता है इस तरीके से। अगली स्लाइड में चल रहे, ये देखो मैंने यहाँ पर फ्लोर बना दिया आपका जिस तरीके से था, जैसे मान लो यहाँ पर कोई कलर पसंद करता है, एक आदमी है कोई, जैसे कि मान लो कोई भी कलर यहाँ पर आ गया, ग्रीन आ गया, तो कह रहा है जो नेवर नहीं होने चाहिए, नेवर का मतलब है, देखो यहाँ पर लिखा है ना, द पर्सन हु लाइक कलर डू नॉट सिट टूगेदर इन फ्लोर। देखो सिट टूगेदर फ्लोर में क्या होता है, इमीडिएट अबो और इमीडिएट बिलो, मतलब एक साथ नहीं बैठे। अगर मान लो इधर कलर आ जाता है ना, ये कलर आ गया, तो इधर वाले का कलर, इधर वाला पर्सन है वो कलर पसंद नहीं करेगा, मतलब उधर कलर नहीं आएगा, इधर भी कलर नहीं आएगा, यही की पॉइंट है। अगर मान लो इधर आ गया ऊपर तो यहाँ नहीं आएगा, कहीं पर भी मान लो यहाँ आ गया कलर तो यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं, ये याद रखना है हमें, है ना, जो कलर वाले लोग है ना 4, वो एक साथ नहीं बैठे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर मान लो ग्रीन आ गया, यहाँ पर पिंक आ गया, इस तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए। तो देखो अब दिक्कत आती है, इस पजल को स्टार्ट कैसे करें। देखो फ्लोर में क्या होता है, जो फ्लोर होता है ना इसमें फिक्स, सब देखो सब पजल का फिक्स पॉइंट अलग होता है, फ्लोर के फिक्स पॉइंट अलग होते हैं। देखो फ्लोर के फिक्स पॉइंट ये हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक मेंबर का नाम, मान लो कोई मेंबर हो सकता है जैसे कि एच है, उसको बता दिया कि वो 8th फ्लोर पर बैठे, तो क्या उसको इम्प्लीमेंट करो, कर दो उसको, ठीक है, उसमें हमें कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, इससे रिलेटेड पॉइंट ढूंढेंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये फ्लोर है, देखो हर चीज अलग होती है, इसमें अलग कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो अगर कोई दे रखा है किसी मेंबर के बारे में कि इस फ्लोर पर बैठा है तो कर दो उसको, वो फिक्स पॉइंट है। और फिर क्या करो, इस मेंबर से रिलेटेड पॉइंट ढूंढो, बेनिफिशियल होता है काफी। अगर मान लो एक मेंबर यहाँ पर मेरा आ गया ए, अगर मुझे इससे रिलेटेड कोई पॉइंट मिल जाए तो उसे मुझे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, मुझे ये सर्च करना है ये, और नहीं मिले तो क्या करना है, उसको फिर स्किप कर दो, या स्किप का मतलब उसे स्टोर कर लो। तो देखो पजल को रीड करता हूँ मैं यहाँ जाके, देखो उसको इरेज करता हूँ यहाँ से,
यहाँ से पेन ले लेते हैं दोबारा, ये देखो ठीक है। अब देखो ये पहला लाइन है, नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन लिव अबो ए। तो काफी अच्छा पॉइंट है, मतलब क्या क्या आना चाहता है इसके अंदर, जो ए है ए, जितने ए के ऊपर मेंबर है ना उतने ही ए के नीचे है, तो कंपेयर किससे कर रहा है, ए से ही कर रहा है। देखो ये वाला पॉइंट है ना कभी भी आएगा आपका, कभी भी आए इस तरीके का पॉइंट, एक मेंबर से कर ले कंपेयर कि उसके जितने ऊपर मेंबर है इतने, तो वो याद रखना हमेशा ऑड नंबर ऑफ फ्लोर में आएगा। ऑड नंबर फ्लोर मतलब कि जैसे कि आपके एक फ्लोर हो गया, तीन हो गया, पांच, इसी में अरेंजमेंट बनता है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो ट्रिक बड़ी ईजी है, पहले जितने फ्लोर होते हैं ना सारे, आप देखो फ्लोर कितने दे रखे हैं, 9 दे रखे हैं, उसमें 1 ऐड करो, उसको डिवाइड कर दो 2 से, आ जाएगा 5th, तो उसको 5th पे प्लेस कर देना, क्योंकि ये ए से कंपेयर कर रहा है ना, ए के ऊपर जितने हैं ए के नीचे। तो अब ये बताओ ये फिक्स पॉइंट है, हाँ ये तो हमारा फिक्स पॉइंट हो गया ना, ये फिक्स पॉइंट बन गया, क्योंकि ए का हमें फ्लोर पता चल गया, 5th डायरेक्ट नहीं दे रखा इसने, इनडायरेक्ट वे में दे रखा है। तो क्या करूंगा, ये देखो मैंने यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट करा है, क्यों करा है, मैं अब इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करूंगा। नंबर ऑफ फ्लोर अभी बताया था जितने इक्वल है ए के ऊपर है उतने ही आपके बी के नीचे है, ठीक है, जितने ए के ऊपर है उतने बी के नीचे है। तो देखो कहाँ 5th पे आ गया था ना हमारा ए, तो देखो ए को सीधा 5th पर प्लेस कर दो, कहीं पर भी आएगा नहीं, ये देखो ए मेरा यहाँ पर आएगा, ये फिक्स है। आप देखो चेक भी कर सकते हो, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या बोल रहा था, ए के ऊपर कितने फ्लोर है उतने ही ए के नीचे बराबर है, मतलब नंबर ऑफ फ्लोर लीव अबो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोर लीव बिलो ए, 1 2 3 4 चार है ना इसके ऊपर, इसके नीचे भी कितने लोग, चार के नीचे 1 2 3 4। तो ये करने की जरूरत नहीं, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, मैंने जो ट्रिक बताई है कैसे निकालना होता है, सारे फ्लोर जितने दे रखे उसमें एक ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, आपका आ जाएगा फ्लोर नंबर जिसके बारे में पूछा है। अब देखो क्या है, यही पॉइंट सर मैंने आगे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मेरे पास ना ए आ गया है, अब मुझे ए से रिलेटेड पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी है, अगर ए से रिलेटेड पॉइंट मिल जाता ठीक है, नहीं तो अगर कोई अदर फिक्स पॉइंट मिल जाए जैसे कि ए मिल गया तो उसको भी कर दूंगा। देखो अगली लाइन में मूव करा, द पर्सन हु लाइक रेड कलर इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू ए। अब देखो यही पॉइंट है, बहुत मेन पॉइंट है, काफी स्टूडेंट इसको गलत कर रहे हैं, पर समझ नहीं पाएंगे, दोबारा पढ़ता हूँ देखो, द पर्सन हु लाइक रेड कलर, जो रेड कलर पसंद करता है वो इमीडिएट नेक्स्ट है ए के। देखो क्या करता है स्टूडेंट, इमीडिएट नेक्स्ट का, इमीडिएट का मतलब पता है क्या समझता है, इधर भी होगा इधर भी होगा, पर ऐसा नहीं होता, ये फ्लोर है, फ्लोर में इमीडिएट नेक्स्ट का मतलब होता है उसके जस्ट अबो वाला, तो इसका मतलब रेड इधर है। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, दो पॉसिबिलिटी से स्टार्ट कर देंगे, रेड इधर भी ले लेंगे इधर भी, इधर नहीं लेना, देखो इमीडिएट नेक्स्ट का मतलब होता है जस्ट ऊपर। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर मान लो आप किसी बिल्डिंग में गए सी जी, ठीक है, जिसमें देखो अभी आंसर खुद ही हो गया, आप अपने मन में क्या होना चाहिए, ये है देखो 5, ये 1 2 3 4 5th फ्लोर है, आपका कोई फ्रेंड किसी फ्लोर पर रहता है आपको पता है, या बिल्डिंग में चलेगा ये पता है कि इस बिल्डिंग में रहता है, सेकंड फ्लोर पर पहुंचे, बैल बजाई, कोई आया कि भाई तो आपने नाम लिया जो भी फ्रेंड का कि वो किस फ्लोर कहाँ पर रहता है, वो तो कहेगा कि भाई वो तो हमारा नेक्स्ट में रहता है, तो नेक्स्ट का मतलब क्या होगा, ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, नेक्स्ट फ्लोर का मतलब क्या होगा, आंसर आ रहा होगा नेक्स्ट तो ऊपर ही जाओगे ना, ये तो जनरल लाइफ का कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट का मतलब ये क्या होता है, आप ऊपर ही जाओगे ऑटोमेटिकली, कोई नीचे नहीं जाएगा इसके अंदर, ये नहीं कोई नीचे चले जाएगा, वो कहेगा भाई नेक्स्ट फ्लोर पर रहता है, नेक्स्ट मतलब अगला, अगला इसका ये होता है, ये नहीं होता है। तो ये याद रखना, ये काफी था, अगर ये मतलब ये पॉइंट अगर स्किप हो जाता ना, ये वाला इसमें काफी अच्छा पॉइंट था ये वाला, तो फिर क्या होता, ये पजल तो बनती, पता नहीं बनती, मैंने तो ट्राई नहीं करा इससे बना के, मगर ये ना बन जाती तो गलत बनती, वो नहीं वो होता तो फिर बनती नहीं। तो ये देखो इस तरीके का एक पॉइंट होता है, ये देखो यही मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, क्या था, द पर्सन हु लाइक रेड कलर, जो रेड कलर पसंद करता है इमीडिएट नेक्स्ट, इमीडिएट का मतलब तुरंत, तो इमीडिएट नेक्स्ट कौन सा होगा, इसका देखोगे इनका इमीडिएट नेक्स्ट ये होगा। अब देखो मेरे पास रेड आ गया, ए आ गया, मुझे क्या करना है, इन दो से रिलेटेड पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी है। देखो नेक्स्ट लाइन में मैं बड़ा मूव करा, 3 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक रेड कलर एंड वन हु लाइक ग्रीन कलर। आप बताओ कर सकते हैं इसको, तो बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को देखो रेड कलर के बारे में तो पता है रेड वाला कहाँ प्लेस है, और बोल रहा है 3 पर्सन होने चाहिए रेड और ग्रीन, तो देखो इसी को मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ,
ठीक है देखो मैंने यहाँ पर क्लीन कराई, मतलब इस पॉइंट को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। कह रहा तीन है रेड और ग्रीन, तो दोनों तरफ काउंट होते हैं। देखो ऊपर काउंट करोगे 1 2 3, तो ग्रीन यहाँ पर कहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर ग्रीन करोगे तो 10th फ्लोर हो जाएंगे, फ्लोर तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो ऊपर कभी नहीं आएगा, तो नीचे ही बनाएगा 1 2 3, 1 2 3, तो ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन वाला इधर आएगा। ठीक है ये तो इजी पॉइंट था। अब क्या करना है, वेरिएबल कितने आ गए 1 2 3। अब क्या करना है, इनिशियल रिलेटेड पॉइंट ढूंढो। आगे मैं गया देखो, जी लीव्स थर्ड अबू ए एंड लाइक पिंक कलर। ठीक है बड़ा सा सेंटेंस है, थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ेंगे तो समझ आएगा। पहले इतना पढ़ो, जी लीव्स थर्ड अबू ए। तो देखो अबू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसी को इम्प्लीमेंट करना है आगे। ये ए है और जी से थर्ड अबू है, तो देखो पहले अबू समझो, अबू मतलब होता है ऊपर, और थर्ड अबू काउंट कैसे करते हैं, देखो काउंट करने का तरीका होता है, कई स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं इसके अंदर, काफी अच्छा पॉइंट है। देखो ऐसे काउंट करो तो गलती नहीं होगी, फर्स्ट अबू सेकंड अबू थर्ड अबू, तो जी इधर आना चाहिए। क्या क्या करेंगे, 8 पर लिख देंगे और 9th पे, वो गलत है। कैसे काउंट करना, देखो जैसे ए यहाँ पर था, तो इसका 1 अबू मतलब होता है इमीडिएट अबू, सेकंड अबू सेकंड अबू, थर्ड अबू थर्ड अबू, तो जी मेरा यहाँ पर आना चाहिए। और साथ में क्या बोल रहा है, एंड लाइक पिंक कलर। देखो जी के बारे में बोल रहा है, ए के बारे में बोल रहा है, मैंने बताया जैसे कि एंड होता है ना, एंड एंड होता है, दो वेरिएबल है जी और ए, तो वो हमेशा फर्स्ट वेरिएबल के बारे में बोलता है। फर्स्ट वेरिएबल है जी, मतलब कि जी पसंद करता है पिंक कलर, यहाँ पर ना जी आएगा ना, यहाँ जी आ गया तो पिंक कलर लिख देगा, ये पॉइंट होगा। देखो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया इस तरीके से, जी आया पिंक आया। ठीक है नेक्स्ट लाइन है, देखो बी इज नेबर ऑफ ए एंड अब वो ए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ना। देखो पहले देखो इतना पढ़ो, बी इज नेवर ऑफ ए, इतनी लाइन लिखी थी तो कहाँ करते हैं, क्या करते हैं इसका, देखो सीख लेते हैं, देखो आगे काम आता है, जरूरी नहीं इस तरह का क्वेश्चन आए, पर क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है। अगर इतना लिखा है बी इज नेवर ऑफ ए, तो नेवर का मतलब होता है दोनों काउंट होंगे, फिर नेवर में ये भी काउंट होगा ये भी, समझ लो ये दोनों काउंट होते हैं। नेवर का मतलब होता है इमीडिएट अबो इमीडिएट बलो, पर इसने बोला था बी इज नेवर ऑफ ए एंड अबो ए, तो फिक्स हो गया बी नेवर है किसका, ए का। नेवर मतलब होता है एकदम पड़ोस का, ए का, और वो अबो है तो अबो तो यही वाला होगा ना, तो बी नीचे कभी कैसे आएगा, तो यहाँ फिक्स दे दिया इसमें, यहाँ पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। बी इज नेवर ऑफ ए एंड अबो बी, तो यही कोई पॉइंट लिया यहाँ पर, ये इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखो इतने वेरिएबल आ गए जी बी ए ये पिक लिए, इनसे ढूंढेंगे। देखो नंबर ऑफ पर्सन सिट अबो बी is equal to number of person sit below h। देखो यहाँ पर इसको क्वेश्चन ड्रॉ करता हूँ, कह रहा है जो number of person है b, b के अबो जितने हैं ना वो equal होंगे किसके, जितने h के below हैं। तो देखो a कोई मिल जाए मुझे h b, तो h या b में से तो मिल जाएगा, देखो h तो है नहीं b है। अब देखो क्या बोला था, b के ऊपर काउंट करना ना, b के ऊपर काउंट करो 1 2 3, तो h के below भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए ना, तो h के below 3 कर दो, यहाँ से काउंट करो बॉटम से 1 2 3, तो एच कहाँ आएगा, ही तो आएगा, एक वेरिएबल था तो दूसरा मिल गया, ये तो इजी पॉइंट था ये रहा। ठीक है अब क्या है, देखो ये क्या कहना चाहता है, ये देखो ये भी बहुत अच्छा, मतलब इस पजल में काफी काफी अच्छे अच्छे पॉइंट है। आई इज नॉट बिलो 8th फ्लोर, देखो उसका मतलब समझो, काफी स्टूडेंट गलत कर देंगे इधर, तो कर लोगे। देखो कह रहा है आई इज नॉट बिलो 8th फ्लोर, तो पहले देखो फ्लोर कितना है, मतलब आई 8th बिलो नहीं होना चाहिए, तो आई कहाँ आ सकता है, चेक करो आई 9th पे भी आ सकता है, आई 8th पे भी आ सकता है। क्या बोला है, देखो दोबारा पढ़ते हैं, आई नॉट बिलो 8th फ्लोर, मतलब आई ना 8th फ्लोर से बिलो नहीं होना चाहिए, पर 8th तक वो आ सकता है, तो ये ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली बात है। कई स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ तक करके उसको कर देंगे, पर यहाँ तो कोई बात नहीं हो जाएगा, पर एग्जाम में कोई दूसरा क्वेश्चन बना तो गलत हो जाएगा। आई इज नॉट बिलो 8th, मतलब 8th से बिलो नहीं है, मगर 8th तक आ सकता है। तो देखो यहाँ पर तो कोई जी बैठा हुआ है, तो आई कैसे लोगे, तो फिक्स हो गया आई आपका यहाँ पर 9th फ्लोर पर ही आएगा, ये पॉइंट मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, देखो डी इज नॉट इमीडिएट अबो एंड इमीडिएट बिलो द वन हू लाइक ग्रीन कलर। अब देखो डी है कहीं, देखो डी तो मुझे दिखाई नहीं रहा, पर ग्रीन कलर मिल रहा है। देखो एक ऐसी इक्वेशन है, ये बोल रहा है डी इज नॉट इमीडिएट अबो एंड इमीडिएट बिलो द वन हू लाइक ग्रीन, ग्रीन से कंपेयर करना है। देखो जो ग्रीन कलर पसंद करता है ना, उसके इमीडिएट अबो और इमीडिएट बिलो में डी नहीं आएगा, तो देखो डी कहाँ पर नहीं आएगा,
पहले मुझे ग्रीन कलर ढूंढना पड़ेगा, अगर है तो ग्रीन गया तो ग्रीन के इमीडिएट अब यानी कि यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं आएगा। अब स्टूडेंट ने क्या करेगा जल्दी जल्दी, वो यहाँ लिख देगा, थोड़ा ध्यान देना है। इमीडिएट अब वो नहीं होना चाहिए, इमीडिएट बिलो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी तो आ सकता है, ध्यान देने वाली है। उसने बोला कि ऊपर ना आए एकदम और ऊपर नीचे ना आए, पर इधर तो आ सकता है, इधर मतलब दो पॉसिबिलिटी बन रही है बीटी की। तो फिलहाल क्या करो, उसको थोड़ा स्किप कर लो या होल्ड या लिख लो उसको, कोई और पॉइंट है तो लास्ट पॉइंट है, यही वाला बनेगा। ई लिव्स इमीडिएट बिलो सी, तो देखो ई है कहीं पर, नहीं है ना सी है, छोड़ो। बट नॉट लीव ऑन इवन नंबर, लो देखो अब इसको करते हैं इंप्लीमेंट, क्या कह रहा है, इसको फ्रेम करते हैं। ई लिव्स इमीडिएट बिलो सी, देखो सही सी कहीं पर होगा, उसके इमीडिएट बिलो कौन होगा, ई, यही तो कह रहा है। ई इज लिव इमीडिएट बिलो सी, बट देखो बट होता है ना, बट बट किसके बारे में कहता है, फर्स्ट पर्सन हमारा ई है और सेकंड कौन सा सी है, तो ये भी हमेशा फर्स्ट के बारे में बोलता है जो पहला वेरिएबल लिखा हुआ, मतलब ई के बारे में बोल रहा है, सी के बारे में नहीं। क्या बोल रहा है, बट नॉट लिव इवन नंबर फ्लोर, मतलब ये इवन पे नहीं रहता, किस पे रहेगा, ऑड पे रहेगा, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, ई लिव्स इमीडिएट बिलो सी बट नॉट लिव इवन नंबर, मतलब ई इवन पे नहीं है तो ऑड पर है। ऑड फ्लोर कौन कौन से होते हैं पता है हमें, ऑड होता है हमारा 1, 3, 5, 7, 9 इतने ही है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से फ्लोर फिल हो चुके हैं, पहले ये देख लो, फिफ्थ पर तो कोई आ गया है तो फिफ्थ पे कभी आएगा नहीं, ठीक है। सेवन खाली है, आ सकता है, नाइन्थ पर कोई है, आ नहीं सकता, तो तीन जगह आ सकता है। अब इस पॉइंट को मैनेज कर दूंगा ना मैं, तो पजल बन जाएगी। देखो आप देखो ई, देखो पहले ई बोर्ड पर है ना, ई बोर्ड पर इधर आ सकता है, ई सात पर बिल्कुल आ सकता है, पर इसके इमीडिएट अब वो तो सी चाहिए, सी नहीं आता है, इस वजह से ये पॉइंट मैनेज नहीं होगा। अब आगे बढ़ो और देखो, सिमिलर ई यहाँ पर आ सकता है, थर्ड पर बिल्कुल आ सकता है, और पे बोला है, पर इसके इमीडिएट अब वो सी होना चाहिए, यहाँ पर तो एच है इसलिए मैनेज नहीं हो रहा। अब ई के लिए क्या बची जगह, ई तो बची, ई आएगा, इसके इमीडिएट अब सी आएगा, ठीक है, ये कंडीशन बन गई ना, ये मैंने बताया होगा। अब देखो ये वाला पॉइंट मिस करा था ना मैंने, डी नॉट लिव इमीडिएट अबो एंड इमीडिएट बिलो बिलो था वन हु लाइक ग्रीन, आप बन जाएगा। देखो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो देखो सारे मेंबर के नाम आ गए, 1, 2, ठीक है सारे भर गए ना, इधर मना कर दिया इसने, तो डी किधर आएगा, आप इधर ही लोग, लो डी इधर आ गया, फिर तो डी आ गया। अब एक मेंबर का नाम बचा है वो इधर लिख लेना, ठीक है, जो भी बचा हो ए बी सी डी जो भी लिख लेना, यहाँ नेक्स्ट पे लिखा हो, मैंने एफ बचा है। अब देखो पजल तो पूरी खत्म हो गई, पर कलर मैनेज कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट फंस जाएंगे जिन्होंने पहली लाइन नहीं पढ़ी हुई ना ढंग से, वो यहाँ पर फंस जाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी थी, देखो मैं बता दूँ क्या था, इमीडिएट जो क्या कहते हैं पर्सन कलर पसंद करते हैं वो नेवर नहीं होनी चाहिए इमीडिएट, मतलब देखो अगर पिंक कलर इधर आ गया ना तो उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, इधर रेड आ गया तो उसके ऊपर भी कुछ नहीं आना चाहिए, इधर भी नहीं आना चाहिए, ग्रीन आ गया तो देखो इधर भी ऊपर नीचे वाले कलर नहीं होना चाहिए, तो एक ही कलर तो बस आप प्लेस यहाँ पर लिख दो, जो कलर है तो यही लिखा होगा मैंने, ये येलो हो गया। तो ये वाला पॉइंट कहाँ से मिला, तो पजल का इंट्रो दे रखा था। तो देखो इस तरीके से पजल सॉल्व होती, काफी अच्छी पजल थी, ठीक है, आई होप आपके समझ आई होगी। देखो करना क्या, इसका पीडीएफ चाहिए ना, ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, यहाँ से पीडीएफ लेना, और साथ में क्या करना, ये देखो यूट्यूब चैनल का नेम है, वीडियो पसंद आई तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखो क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, शायद 11th नंबर की थी, अब जो भी 12th क्लास होगी उसमें मिलते हैं नेक्स्ट में।